दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। यदि हमें जीवन मिला है उसका कोई न कोई मकसद तथा लक्ष्य जरूर होना चाहिए। फुटबॉल की तरह ही जिंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। एक घर बनाने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। जिंदगी बनाने के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि हमारे पास एक योजना हो, एक लक्ष्य हो। यदि हमारा गोल क्लियर हो तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अनुसार एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। यदि दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ साफ नजर आने लगते हैं। किसी महान व्यक्ति ने बिल्कुल सच ही कहा है, यदि हर सुबह उठने के बाद किसी लक्ष्य के प्रति आप उत्साहित नहीं हैं तो आपने जीते जी आत्महत्या कर लिया है। एक लक्ष्य में जो ताकत होती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी में लक्ष्य का ना होना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कार में पेट्रोल का ना होना। यदि कार में पेट्रोल ना हो वो हमारे लिए बोझ बन जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि जिंदगी में लक्ष्य ना हो तो उस जिंदगी का कोई महत्व नहीं। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं तो आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दोस्त, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, इसलिए धीरे ही सही पर खुद को बदलते रहना। यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़े नहीं। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।